हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, मैंने माता जी पूज लिए और हमारे राजस्थान के अंदर फ्रेंड्स शाम को उन्हें जो खाना बनाते हैं, जो उसको बासड़ा बोलते हैं, तो हमने वो बना लिए थे, चावल पूड़ी वगैरह ये बना लिए। और मैंने इन्हें जो पूजा भी कर ली है, करके आ गई हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्री हो चुकी हूँ, तो अभी मैंने गार्डन का कोई सा भी काम नहीं किया, सिर्फ ऊपर फ्रेंड्स छत पे है ना जो सारे प्लांटों को पानी डाल के आई हूँ, और नीचे के इंडोर प्लांटों में कोई अभी मैंने पानी नहीं डाला है। तो अभी फ्रेंड्स मैं छत पे चलती हूँ आपको लेके, पर बच्चे अभी पढ़ने बैठ गए सुबह सुबह, क्योंकि बच्चे सुबह पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर घर का काम करने लग जाती है मेरी बेटियाँ, और मैं गार्डन का करने लग जाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी है ना जो मैं आपको छत पर ले चलती हूँ और सुबह का जो नज़ारा है वो दिखाऊंगी आज, क्योंकि आज मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ सुबह। और फिर नीचे का आज ज़्यादा कोई खास काम है नहीं है, फिर भी जो भी काम होगा मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, तो बने रही वीडियो में। आ चुकी हूँ और बहुत तेज़ धूप निकल रही है, और फ्रेंड्स अभी शायद 8 ही बजे होंगे। अभी मैंने सभी इन्हें जो पौधों में पानी डाल दिया है, और फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा डाला है। तो ज़्यादा पानी पीता उनको ज़्यादा डाल दिया है, और जो कम पानी चाहते हैं उनको है कम। और फ्रेंड्स अभी इस पे यहाँ पर ये जो वाला ये इसका चद्दर का जो बना रखा है फ्रेंड्स, इसको मैं अभी इस पे छाया करूँगी। और अब देख लीजिए फ्रेंड्स फ्लावरों की और चांदनी में फ्रेंड्स बहुत ही शानदार फ्लावरिंग हुई है। और फ्रेंड्स मेरे कड़ी पत्ते का जो पौधा है अच्छे से ग्रो हो रहा है। फिर फ्रेंड्स मेरी बेटी है ना रोज़ पता नहीं चावल कड़ी चावल बनाती रहती तो तोड़ लेती है फ्रेंड्स, देख लीजिए इस प्रकार से। और फ्रेंड्स कनेर की भी मस्त फ्लावरिंग हो रही है, और ये येलो कलर का गुलाब है फ्रेंड्स, ये भी खिल रहा है पर अभी इसमें और कलियां नहीं बन रही है। और मोगरे में भी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है, देख लीजिए। और गुलाब है ये फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये सदाबहार के हैं, ये पिंक कलर के, तो ये भी बहुत शानदार तरीके से खिल रहे हैं। बैठ जाता है ना, इतनी ठंड ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। और देख लीजिए फ्रेंड्स कितने, देखो ये जो नेट बना रखी है ये भी हिल रही है, और पौधे भी हिल रहे हैं, हवा चल रही है। और आज फ्रेंड्स हमारे मेरे जितने गुड़ैल के प्लांट है फ्रेंड्स, उनमें अच्छी फ्लावरिंग हुई है, तो वो दिखाती हूँ। अच्छे से फ्लावरिंग होगी, और इधर देखिए फ्रेंड्स ये इधर भी खिल रहे हैं, और उधर है जो उसमें भी 2 खिल रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स अपराजिता की बेल में भी फ्लावर खिल चुके हैं। और फ्रेंड्स मैं पूजा करने गई थी तो फ्रेंड्स 2-4 फूल मैं तोड़ के ले गई थी, ये देख लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त लगते हैं गुड़ैल के फूल। और फ्रेंड्स इनको कटिंग से लगा सकते हैं, और लगाइए फ्रेंड्स, मैंने कुछ कटिंग देख लीजिए इसमें, और फ्रेंड्स बहुत ही ईजी तरीके से लग जाती है। और फ्रेंड्स ये डेलिया में दूसरा फ्लावर भी खिल चुका है, तो देख लीजिए। मैंने कल आप कल वाला जो वीडियो में उसमें शेयर किया था कि भाई हर श्रृंगार के अंदर है ना जो इस महीने में फ्लावरिंग होती है, तो फ्रेंड्स आज वो फ्लावर खिल चुका है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लगते हैं, और मतलब दिखाती हूँ। मैंने नीचे गिर चुका था, मैंने इसको ऊपर रख दिया फ्रेंड्स, क्योंकि है ना ये जैसे मैंने इसको इधर खसकाया है ना गमले को, तो ये नीचे गिर गया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के फूल आते हैं, तो देख लीजिए। और अभी इसके अंदर है ना कलियाँ बन रही है, और फ्रेंड्स ये मॉर्निंग में ना अपने आप ही है ना जो गिर जाते हैं फ्लावर, ये देख लीजिए। और फ्रेंड्स अब तो मेरी है ना जो 2 है ना जो बहुत अच्छे से है ना इसी में लगा रखी है, और पर्सलिन में फ्रेंड्स अभी तक मेरे फ्लावर खिले नहीं है। और ये देखिए वेस्टेज था इसमें भी, मैंने देखो ये नज़ारे के प्लांट लगा रखा है, और ऐसे ही सुबह ना अगर यहाँ पर अगर चाय पीती हूँ ना फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स सुबह की जो चाय होती है मैं यहाँ पर आकर पीती हूँ। और आज फ्रेंड्स दिन में आपके साथ में एक चीज़ और शेयर करूँगी, तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, और देख लीजिए। फ्रेंड्स अभी मैं इस नेट को जो ये बेडशीट लगा रखी है फ्रेंड्स, मैंने इसको छाया करने के लिए, तो इसको मैं लगा देती हूँ क्योंकि अब धूप बहुत तेज़ पड़ने लगी है। मैंने नेट लगा दी है, अब दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स।
और फ्रेंड्स 10 बजे के बाद में तो फ्रेंड्स इतनी तेज़ धूप पड़ती है कि पौधे है ना जलने की संभावना हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं तो इससे अभी फ़िलहाल ये जुगाड़ कर दिया है, और जो मेरी लौकी की बेल है फ्रेंड्स उनकी ग्रोथ बहुत शानदार स्टार्ट हो चुकी है। और फ्रेंड्स मैंने कल भी बताया था, तो फ्रेंड्स अब है ना सब्जी की जो बहुत सारी सब्जियाँ निकला करेगी। और फ्रेंड्स अभी तक आपने लौकी नहीं लगाई है तो आप लगा दीजिए, और फ्रेंड्स देख लीजिए। फ्रेंड्स मैं नीचे आ चुकी हूँ, और अभी जो शीतलाष्टमी के दिन जो खाना बनता है ना जिसे बासड़ा बोलते हैं, तो मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ और कर लेते हैं थोड़ा बहुत नाश्ता पानी। शीतलाष्टमी का जो खाना है वो खाने लग गई हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। मीठे वाले चावल है और दही डाल दिया मैंने इसके अंदर। कुछ बच्चों ने पापड़ चिप्स निकाले थे और ये दही जमाया था, और ये चावल है फ्रेंड्स, और पूड़ी वगैरह और बनाई है फ्रेंड्स, तो वो रसोई में रखी है। फिलहाल मैंने आपको ये जैसे ठंडा खाना बनता है ना, तो इसे दही और चावल, मीठे वाले चावल और इसमें दही डाल के खा रहे हैं फ्रेंड्स। अब हो चुकी है शाम, क्योंकि मैंने सुबह से ही आज का वीडियो शुरू कर दिया था। तो आज फ्रेंड्स मैंने दिन में काम किया है वो दिखाती हूँ आपको। तो कल फ्रेंड्स मैंने आपको ये वाली जो पेप्सी की बोतल थी ना फ्रेंड्स, उसके नीचे वाले हिस्से को आपको मैंने दिखाया था कि भाई मैंने ये बनाई थी, तो उसका पूरा वीडियो मैंने आज शूट कर लिया है। तो ये सेकंड वाली बोतल है, तो इस पे मैंने पूरा वर्क करके मतलब पूरा पेंट करके आपको वीडियो फ्रेंड्स कल शेयर कर दूँगी। तो कल तो फ्रेंड्स मैंने आपको ऐसे दिखाया था कि भाई मैंने बना लिया है, तो मैंने क्यों ना सोचा जाए आपके साथ में ये वीडियो शेयर किया जाए। तो अभी दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये कल आपको मैंने दोनों दिखाए थे और आज मैंने एक नया तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब थी, फिर भी मैंने इसको कलर पेंट करके देखो कितना अच्छे लग रहे हैं। कंप्लीट वीडियो मैं आपको कल डाल दूंगी कि भाई मैंने कैसे पेंटिंग करी क्या। और फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, और इनके जो कलर यूज किए हैं फ्रेंड्स मैंने एशियन पेंट के यूज किए हैं, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होते हैं, तो इनसे पानी धो कितना भी फ्रेंड्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छे से ये है ना जो चलते हैं काफ़ी दिनों तक। तो कल इसके अंदर फ्रेंड्स मैं वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूंगी, और कल इसके अंदर आपको प्लांट भी लगा के दिखाऊंगी। एक और दिखाती हूँ जिसका मैंने आपको एक दो दिन पहले भी जिक्र किया था, तो वो भी रेडी हो चुका है। तो फिर उस पर थोड़ा सा वर्क करना बाकी रह गया, दिखाती हूँ। आपको बताया था और ये बिल्कुल फिनिशिंग कर ली है मैंने इसको, तो इसका वीडियो भी फ्रेंड्स मैं अलग से शेयर करूँगी। और इसके लिए फ्रेंड्स मैं कुछ आज कुछ लेके आई हूँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा मैं वर्क करूँगी, तो वो आपके साथ में वीडियो अलग शेयर करूँगी। मैं छत पे आ चुकी हूँ और अभी सारे प्लांट अब मैं पानी डालूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत तेज़ थी हमारे यहाँ पर। तो बस अभी पानी डाल के फिर मिलती हूँ आपसे। पानी डाल दिया है और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।